एंड जिला प्रवक्ता और सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, आप सब जानते हैं कि आम चुनाव 2024 का ये ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। ऐतिहासिक चुनाव इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खुद भी समझ रहे होंगे कि जिस तरीके से वर्चस्ववाद नीति के तहत, वर्चस्ववाद पर्दे के पीछे छुपकर भारत की जनमानस के मुद्दों का अपहरण कर लिया है किसी एक व्यक्ति ने, उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। आज चौक चौराहे पे इलेक्शन 19 तारीख को है, 26 तारीख को यहाँ पर है। आप देखिए, पहला और दूसरा चरण का इलेक्शन फुल फ्लेज में है, उसके बावजूद भी कहीं भी चौक चौराहे पे किसी मुद्दे पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है आम जनता के बीच में। इसका कारण ही ये है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पर्दे के पीछे, वर्चस्ववादी नीति के पर्दे के पीछे संस्थाओं को दुरुपयोग कर कर, यहाँ तक कि जो प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, इसको भी झांसे में लेकर किसी भी मुद्दे पे डिबेट डिस्कशन कहीं भी नहीं हो रहा है, चाहे आपका बांका जिला हो चाहे दिल्ली हो। ये बहुत ही दुखदायक स्थिति है। लेकिन ठीक दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ मुद्दा विहीन राजनीति चल रही है, दूसरी तरफ माननीय लालू प्रसाद यादव की, इंडिया अलायंस की, तेजस्वी प्रसाद यादव की मुद्दा से लबरेज राजनीति हो रही है। हम लोग डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के साथ हैं, आप सब जानते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, इन मुद्दों पे हमारी जो है बिहार में 17 महीने की सरकार भी बनी। जब सरकार बनी तो मूल चूक परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, मूल चूक परिवर्तन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ, आईटी सेक्टर के क्षेत्र में हुआ, टूरिज्म के क्षेत्र में हुआ, यहाँ तक कि 5.5 लाख सरकारी नौकरी, क्वालिटेटिव सरकारी नौकरी बीपीएससी के माध्यम से, इससे पहले माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों का भर्ती किया था, उसके बाद माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने शिक्षकों का भर्ती किया, तो आप इसी से सोच लीजिए राष्ट्रीय जनता दल जो है डेवलपमेंट की बात करती है। आज देखिए, आज हम लोग का घोषणा पत्र भी आया, इस घोषणा पत्र में भी 24 जो है परिवर्तन पत्र है, वचन दिया हुआ है, जिसमें MSP की बात कही हुई है, जिसमें नौकरी की बात कही हुई है, 1 करोड़ नौकरी, 30 लाख सरकारी नौकरी और बाकी 70 लाख नौकरियां सृजन करेंगे। ये 30 लाख पद ऑलरेडी खाली है बिहार सरकार में, इन नौकरियों की हमारे वचन पत्र में ये है। इसके साथ साथ जो मंडल कमीशन के और भी जो पैरामीटर्स थे उनको भी लागू करने की बात है। और देश जो है दो चौराहे पे चला गया है, एक तरफ जो है नागपुर की सोच चल रही है इस देश में, दूसरे तरफ पाटलिपुत्र मगध से ये सोच चल रही है जो बहुजनवादी सोच है। संविधान के निर्माताओं ने जो मूल्य संविधान में अंकित किया हुआ है, अशोक चक्र जो भारत के प्रतीक है, अशोक चक्र में जो 24 स्कोप है वही भारत का आइडिया ऑफ इंडिया है। इस आइडिया ऑफ इंडिया, भाईचारा, समानता, न्याय, बंधुता, इन सबको तार तार अगर किसी ने किया है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। तो आप एक तरफ देखिए अशोक चक्र को धूमिल करते हुए संगोल को पार्लियामेंट में लगा लेना, जो कि दंड का प्रतीक है, राज्य कोई दंडित नहीं करता किसी को, लेकिन दंड के प्रतीक को संगोल आप देखिए स्पीकर के पीछे लगा हुआ है, और अशोक चक्र को ये लोग पीछे करना चाहते हैं। तो ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई प्राचीन है, जब मौर्य वंश को ख़त्म किया गया, बृहद्रथ मौर्य को मारा गया पुष्यमित्र सुंग के द्वारा, ठीक इसी प्रकार से महात्मा गांधी को मारा गया राइट विंगर्स के द्वारा, आप सब जानते हैं। जिस तरीके से देश को दो भागों में बनाना चाहते थे, कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था तो कोई मुस्लिम राष्ट्र, कोई सिख राष्ट्र बनाना चाहता था। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि 1941 में एक अलायंस हुआ मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख लीग के बीच में, और बोला कि देश आज़ाद होगा तो हम पंजाब और सिंध को जो है सिख राज बना देंगे, इस्लाम को इस्लामिक राज बना देंगे और बचा हुआ शेष को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। वो इलेक्शन जीते भी, वो इलेक्शन जीत गए उस प्रोविंस में, नदर फ्रंटियर प्रोविंस में, और जीतने के बाद उनकी सरकार बनी और खेमचंद खन्ना हिंदू महासभा के उसमें मिनिस्टर भी बने। तो इस तरीके की इनकी सोच आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, आज भी वही सोच फिर से पनप आई है। और ये एक तरफ बहुजनवादी सोच और दूसरी तरफ जो है ये वर्चस्ववादी सोच, वर्चस्ववादी सोच के खिलाफ हम लोग लगातार लड़े हैं, चाहे जगदेव बाबू हों, आज़ादी के बाद देखिए कर्पूरी ठाकुर हों, उपेंद्र नाथ वर्मा हों,
अनेकों लोगों ने इस देश को संभालने में और बहुजनवादी सोच को आगे ले जाने में हमेशा से अग्रसर रहा है। उसी के कड़ी में लालू प्रसाद यादव जी थे। आज उसी के कड़ी में हम लोग भी कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत प्राचीन है। मुद्दा विहीन राजनीति ये लोग करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम लोग का मुद्दा है। एमें आप देखिए, पिछले दस सालों में माननीय प्रधानमंत्री ने अनेकों बार बिहार आए, बहुत सारे उन्होंने वादा किया भारत की मासूम जनता के सामने और बिहार के जनता के सामने। बिहार के जनता के सामने तो स्पेशल स्टेटस की बात नीतीश जी करते रह गए, आज तक नहीं हुआ। स्पेशल पैकेज की बात लगातार माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त की राबड़ी देवी जी, जब डिवाइड हुआ था झारखंड और बिहार, तो लगभग 46,000 करोड़ हमारे लाइबिलिटीज आ गए थे बिहार के ऊपर। ये 46,000 करोड़ का लाइबिलिटी जो है आज बढ़कर 1,00,000 करोड़ हो गया है। तो हमारे वचन पत्र में भी है कि हमें स्पेशल पैकेज जो उस वक्त नहीं मिला था 2000 में, आज हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं और लगातार ये डिमांड करते आए हैं। इसी डिमांड को लेकर नीतीश जी स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, जो कि हम उनका समर्थन करते हैं यहाँ पर। लेकिन आप देखिए, बाहर इतना बिजली चल रहा है, बिहार ऐसा प्रदेश है, इस बिहार प्रदेश में सबसे यंग प्रदेश है, रोजगार नहीं है, सबसे गरीब प्रदेश है, सबसे महंगा बिजली है, पूरे भारत में सबसे महंगा बिजली कहीं यूज होता है तो बिहार में यूज होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि इंडोनेशिया से 10% कोयला जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबसे महंगा साउथ एशिया में कोई कोयला खरीद रहा है, तो उस देश का नाम है भारत। और बेचने वाला कौन है? उसका नाम है अडानी। अडानी का कोयला भारत में आ रहा है और आपके पॉकेट से पैसा निकाला जा रहा है, दोहन किया जा रहा है। GST 18% लगा दिया इन्होंने। GST 18% लगाने के बाद जो स्टेट GST है, ये 6-6 महीना नहीं, 1,00,000 करोड़ अभी स्टेट GST नहीं दिया है। तो RSS का जब संविधान बन रहा था तो भारत का भी संविधान बन रहा था। उन्होंने उस संविधान में जो बात कही कि संघवाद को ही खत्म करना है, तो नरेंद्र मोदी जी की जो पूरी सोच है वो सोच उसी के आधार पे चल रही है। ये इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी की बात हम लोग कहते हैं, लेकिन आज ये इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी में देखिए दो, उसके लिए जयप्रकाश बाबू के लिए एकदम समझिए कि अपना दिल खोलिए। आपके माध्यम से मैं जनता को कहना चाहता हूँ, और जो वादा ये यहाँ कर रहे हैं जयप्रकाश बाबू, इन सभी वादों पे वो खरा उतरेंगे। देखिए जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, हम ये कह सकते हैं, मैं इंडिया अलायंस जो कमेटी बनी हुई है, इंडिया अलायंस कमेटी, उसका मैं मेंबर हूँ। मुझे पता है कि किस तरीके से हम लोग डिबेट डिस्कशन करके प्लान चौकआउट किया हुआ है। कुछ आपको दिखती होगी, पर ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ग्राउंड पे जाइएगा तो जनता ने मन बना रखा है परिवर्तन का इसमें, और ये परिवर्तन होकर रहेगा। और महागठबंधन की जो सोच है वो सोच क्या है? संघर्ष और संवाद। बहुजनों की सोच क्या है? संघर्ष और संवाद। हमारे पूर्वजों की सोच यही रही है, संघर्ष और संवाद। हमने संघर्ष और संवाद कर ही गांधी जी ने ऐसे राज को इस भारत से हटा दिया जिसका कि दुनिया में कभी सूरज नहीं डूबता था। तो ये नरेंद्र मोदी क्या है? संघर्ष और संवाद के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं मुद्दों के साथ संवाद कर रहा हूँ। संघर्ष कर रही है पूरे राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस, और इसी संघर्ष और संवाद से नरेंद्र मोदी जी को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। जो इनकी नीयत और नीति रही है ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था से के अनुकूल नहीं है। जी, देखिए पूर्णिया, मैं कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आया, मैं पूर्णिया के बाद भागलपुर ही आया। अब पूर्णिया में भी ये क्वेश्चन वाजिब था। देखिए लड़ाई दो धारे की है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, एक तरफ वर्चस्ववादी धारा है और दूसरी तरफ बहुजनवादी धारा है, तीसरा कोई धारा नहीं है। तो लड़ाई एकदम ठनी हुई है दो धारों में, और ये प्राचीन लड़ाई है, आज़ादी के समय भी ये लड़ाई रही, आज फिर वही लड़ाई हमारे सामने खड़ी हो गई है। जितने भी बहुजनवादी लोग हैं, हम आपके माध्यम से आह्वान पूर्णिया में भी किए, यहाँ भी कर रहे हैं कि वर्चस्ववादी को चोट पहुँचाने का समय अब आ गया है वोट के माध्यम से। यहाँ जहाँ तक बात रही, प्रजातंत्र में हर किसी को लड़ने का राइट है, उनका वो लड़ें, उनको कहीं से टिकट मिलना था नहीं मिली, अब उनकी पार्टी देखेगी, उनकी पार्टी जानेगी। जहाँ तक इंडिया अलायंस रही, हम लोग मजबूती के साथ संघर्ष और संवाद के साथ दो धरों की जो बात है उस बात को लेकर चल रहे हैं। तीसरा यहाँ कोई फैक्टर ही नहीं है।